आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी सतीश चंद्र द्विवेदी के समर्थन में तरहर गांव में सिनेस्टार और मथुरा सांसद हेमा मालिनी पहुंची। हेमा मालिनी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई। इस दौरान भारी संख्या में जनता मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी है, विकास कार्यों का भी काम तेजी से चल रहा है। काशी मथुरा पर उन्होंने कहा, मथुरा में बहुत विकास करना बाकी है। अगर अयोध्या में, काशी में सब हुआ तो मथुरा में भी। मथुरा में वैसे बहुत अच्छा, बहुत सारे हमारे मंदिर हैं। अभी उसमें और कुछ स्पेशल कॉरिडोर वगैरह कुछ बनाने का है, प्लानिंग तो जरूर बनना चाहिए। सिक्योरिटी दे रहे ना, सुरक्षा दे रही है, और इतना विकास किया है, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और बहुत सारे रोड्स वगैरह, बहुत हर चीज में बहुत बदलाव लेकर आए हैं, और कोई उसका कोई ना कोई कह ही नहीं सकता। एवरीबॉडी नोस, सबको मालूम है। खबर रायबरेली से है, जहां पांचवें चरण के चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने कहा, प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह अलर्ट है, और साथ ही कहा कि पोलिंग स्टेशन पर मशीन में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पोलिंग पार्टियों को 2 रिजर्व मशीनें भी दे दी गई हैं। टोटल रिजर्व मिलाकर के 443 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया था, जिसमें रिजर्व 40 थी, और अब हमारे जो है सभी पोलिंग पार्टियां लगभग कंप्लीट हो गई हैं। 15-20 बची हुई हैं, उनको भी हम लोग अभी कंप्लीट करा करके उनके सामग्रियों को और ईवीएम्स को देख करके और उनका मिलान करवा करके संबंधित बसों में बैठा करके उनके बूथों की तरफ रवाना कराए। सुरक्षा व्यवस्था क्या व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था के लिए दोहरी रेयर की जो है व्यवस्था की गई है, CPMF भी रहेगी, साथ ही साथ हमारी स्टेट आर्म फोर्सेज भी रहेंगी, महिला पुलिसकर्मी भी रहेंगे, जिससे कि महिला मतदाताओं को और महिला हमारे जो मतदान कर्मी हैं, इन सब की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा सके। फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सिविल हॉस्पिटल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से स्थापित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेंटर की इंचार्ज मीनू यादव और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। चेयरपर्सन महिला आयोग ने कहा कि निरीक्षण के दौरान तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। पहले क्या होता था कि कोई लड़की अपने घर छोड़ के आ जाती थी नादानी में, या कोई उसे भगा कर लाता था, या कोई उसे शादी करके झूठा झांसा देकर छोड़ जाता था। कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट किसी बेटी के साथ होता था तो पुलिस के पास रात को रखने की जगह नहीं होती थी, और रात को बिना केस के या इस तरह से कोई मुकदमा दर्ज हुए उनको रख नहीं सकते महिलाओं को, तो उसको इस सोच के साथ पुलिस बड़ी परेशान रहती थी। ये इस सोच को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर्स तैयार किए गए, और पूरे देश में ये अब हैं, हर ज़िले में, हरियाणा के भी हर ज़िले में ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं। फरीदाबाद का ये वन स्टॉप सेंटर बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बेटियां आई हैं सुरक्षित हाथों में वापस गई हैं। यूक्रेन से लौटी MBBS छात्रा तान्या ने अपने घर फरुखाबाद वापसी की, और 3 दिन पहले ही छात्रा घर लौटी है। घर वापसी के बाद छात्रा ने अपनी आपबीती बताई। छात्रा ने कहा कि इस समय वहां के हालात बहुत खराब हैं, मेरे सारे दोस्त वहीं फंसे हुए हैं और उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जहां पर उनके दोस्त हैं वहां आसपास कई धमाके हुए हैं। इसी के साथ छात्रा ने PM मोदी से अपने दोस्तों को सकुशल वापस लाने की अपील भी की। अभी तो सिचुएशन काफ़ी बुरी है वहाँ पे, मेरे जो दोस्त हैं, कल से अटैक जब से किया रशिया ने, तो जहाँ पे मेरे दोस्तों के फ्लैट्स हैं उसके आसपास लगातार बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और उनको रोडों पे दिख रहा है कि बहुत सारे टैंकर्स आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं कि आसपास बहुत मिलिट्री, रशियन आर्मी और ये सब है, और सिचुएशन काफ़ी बुरी है। आज शायद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी कट कर दी जाएगी। 15 तारीख को उन्होंने बोला था कि आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ फर्मली नहीं बोला था कि चले जाओ, पर ये बोला था कि हाँ अभी थोड़े से ऐसी सिचुएशन है कि आप जा सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले से बोलना शुरू करा कि अभी आप चले जाओ, पर स्टूडेंट्स एकदम से फ्लाइट तो बुक कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए स्टूडेंट्स ने कुछ 1 मार्च 26 तारीख की या
5 मार्च तक की टिकट्स बुक करी थी, पर कल एकदम अचानक से अटैक हो गया और किसी को जाने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए सारे दोस्त। खबर अयोध्या से है, जहां पर 27 फरवरी को मतदान के लिए एयरपोर्ट ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल विभिन्न पार्टियों के 46 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। जनपद में कुल 1131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनपद को निर्वाचन की दृष्टि से 25 जोन में बांटा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर फोर्स की व्यवस्था की गई है और 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ अपने अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 2168 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ में 4 मतदान कार्मिक होते हैं और सभी मतदान कार्मिक आज एयर स्ट्रिप से वहाँ पे सभी अपने स्टेशनरी ईवीएम लेकर आज रवाना होंगे अपने अपने बूथ्स पे। और कल दिनांक 27 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक होगी। हाँ, इस बार हम लोग को पास पर्याप्त फोर्स मिला गया है, CAPF हमारे पास पर्याप्त है और हर एक बूथ पे CAPF लगाया जा रहा है। इस बार जो है हमारे पास CAPF प्रत्येक बूथ पे लगाया जा रहा है और फोर्स पर्याप्त मात्रा में मिला है, इसलिए हमें उसकी इशू नहीं है। बाकी जो सेंसिटिव बूथ्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, उसको हम लोग देखते हैं और बेहतर तरीके से सब जगह व्यवस्था की गई। देवरिया में सपा प्रत्याशियों के हक में प्रचार और समर्थन जुटाने के लिए 27 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। बता दें कि महुआनी चौराहे पर अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर पूरे मैदान में साफ सफाई और अन्य तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और आपको बता दें कि देवरिया जनपद में एक तरफ जहां कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, वहीं देवरिया जनपद के महुआनी चौराहे पर अखिलेश यादव का भी आगमन होना है और यहां के व्यवस्थापक से जानेंगे कि क्या व्यवस्था है और कैसी प्रशासनिक तैयारियाँ। बस हम का नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम मुराद अली बेग है, हम जिला महासचिव हैं और यहाँ का जो कार्यक्रम होने जा रहा है कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 12 बजे का है और बाकी चीज़ें सब ठीक ठाक चल रही हैं, कोई समस्या यहाँ नहीं है। अखिलेश जी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? बहुत से प्रभाव पड़ेगा, जो भी हमारे साथी अगर कहीं भाजपा यहाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग का एक संयोग अच्छा है कि कल ही प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और लोगों का इतना उत्साह है कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ उत्साह से लोग अपने हिसाब से आएंगे। हम लोग उसे जैसे भाजपा सरकार करेगी इस बार 350 के ऊपर, वो तो बोलेंगे ही। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि छोटा जो नेता है कम झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता उससे ज़्यादा झूठ बोल रहा है, जो बहुत बड़ा है उससे और झूठ बोल रहा है, तो वो तो बोलेंगे ही कि हम 300 से पार जाएंगे। लेकिन ऐसा जब पूरा लहर पश्चिम से चल रही है और चारों में ख़त्म हो गए तो कहाँ से 300 पार जाएंगे? अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या बेहतर करेंगे आप? बेहतर तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें लैपटॉप का है, लड़कियों को 3600 रुपया भी मिले जो पास के उनको मिलने जा रहा है, उसके बाद किसानों के लिए गांव के लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली का है, उसके बाद 1500 रुपया पेंशन है, तो बहुत सी योजनाएं जो हमारी सरकार की हैं। अगर ये सही में हमारी सरकार बन जाती है, लोग अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो इस योजना से पूरे हमारे जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में बहुत ही लाभ होगा, सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे। बच्चे अभी नो पेंशन का मामला है जो बहुत जमाने से 2004 से मांग उठ रहे थे कि पेंशन दिया जाए, तो पेंशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मान लिया कि हम उसको करेंगे, तो वो भी खुश हैं और सारे जो भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं और देने जा रहे हैं। जैसा कि हम मंच व्यवस्थापक से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ की व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी पार्टियाँ लगातार दावेदारी कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए और आपको बता दें कि कैमरामैन से चाहूँगा यहाँ दिखाएं, यहाँ अखिलेश यादव के हेलीपैड की व्यवस्था की जा रही है और एक तरफ मंच की भी व्यवस्था आपको पीछे दिखाते चले कि मंच की भी व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन की भी तैयारियाँ यहाँ पुख्ता इंतजाम कर दिया जाएगा। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण एक बार बस्ती में प्रदर्शन किया गया। बस्ती में जिला मुख्यालय के न्याय मार्ग पर अधिवक्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ता अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते और साइकिल चलाते हुए भी नारेबाजी करते हुए नजर आए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, इसलिए हम सभी अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं से बात करी। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के न्याय मार्ग
कचहरी पर, और हमारे साथ इस समय कुछ अधिवक्तागण मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अब की बार किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से किस प्रकार की सरकार को चुनना चाहते हैं। तो आइए हम इनसे सीधे सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा है और दीवानी कचहरी में हम वकालत करते हैं, और आज हम लोग सरकार के खिलाफ यहाँ पे जो है एकजुट हुए हैं। हम लोग को सरकार से बहुत शिकायत है, 5 साल बीत गया, सरकार हम लोग के लिए ना कोई योजना लाई, ना हमारे लिए अधिवक्ता वर्ग के लिए ना कोई आगे बढ़ के कोई योजना का हम लोग शुरुआत किया गया। और कोरोना सरकार तो कहती है बहुत कुछ हमने जो है कुछ किया कुछ नहीं किया गया। कोरोना काल में हमारे अधिवक्ता भाई ही बस्ती जिले में आलू बेचने का काम किए। कोई भी सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं को ना अनाज दिया गया, ना कुछ दिया गया, बल्कि बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं कि यहाँ वकालत छोड़ के चले गए, घर पे खेती के करने चले गए हैं, उनका व्यवसाय एकदम से ध्वस्त हो गया है। अभी करंट में जो है यहाँ पे जो कोर्ट फीस होती है नकल की, उसको बढ़ा दिया गया कि गरीब कहाँ से नकल लेगा। बीजेपी सरकार में जो है एडवोकेट थे वो ब्रिजेश पाठक, जिन्होंने कहा कि हमने वकीलों के अधिवक्ताओं के लिए बहुत कुछ किया है सरकार में। कुछ नहीं किए, केवल ये ऊपर तक का है, हाई कोर्ट तक का है। आज हम लोग का यहाँ हड़ताल भी है। हम लोग को जो जिले के अधिवक्ता है इनका इतना शोषण हो रहा है, हम लोग को भेज दिया, ग्राम न्यायालय का निर्माण करा दिया जा रहा है, हम लोग को विकेंद्रीय एकदम अलग अलग कर दिया जा रहा है, व्यवसाय एकदम से हम लोग का खत्म कर दिया जा रहा है। तो आज उसकी उपलब्ध हम लोग ने यहाँ पे एकजुट हुए हैं, हम लोग सरकार के एकदम से खिलाफ में है। जो अब की बार क्या विजन रहेगा, किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार की सरकार को? महंगाई का विजन तो महंगाई का है, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। अधिवक्ता भी तो इंसान है ना, वो भी खाता है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? तो क्या विजन रहेगा सरकार, किन मुद्दों को लेकर आप किस प्रकार की सरकार को चुनना चाहेंगे? भाई जो महंगाई को खत्म करे, अधिवक्ताओं के लिए कुछ अच्छी योजनाएं ले। क्या इस सरकार में कोई अच्छी योजना? कोई योजना अधिवक्ताओं के लिए कोई अच्छी योजना नहीं है। एक ये बिल्डिंग यहाँ बना हुआ मुलायम सरकार में बनवाया था, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप तो लग रहा है एकदम समाजवादी खेमे में। बिल्कुल एकदम समाजवादी खेमे में है, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो संविधान की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। संविधान को हम अधिवक्ताओं से ज्यादा कोई नहीं जानता है और ना उसका कोई अध्ययन करता है। हम अपने जीते जी इस संविधान की हत्या नहीं होने देंगे, इसलिए हम पूरी तरीके समर्थित हैं, समाजवादी के साथ खड़ी हैं, और इस बीजेपी सरकार को किसी भी दशा में उखाड़ फेंकना है। और भी हमारे साथ युवा भी अधिवक्ता मौजूद हैं। आपकी बार किस प्रकार की सरकार को कैसा चुनना चाहेंगे? इस बार हम बीजेपी सरकार को खत्म करके एक नई समाजवादी सरकार का गठन करेंगे। ऐसा क्या कारण इसके पीछे का? बीजेपी महंगाई और कोरोना में अधिवक्ताओं का जो शोषण हुआ है, उसमें ना उनके लिए ना तो कोई मदद की गई, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा दी गई, इस वजह से इस बार हम सरकार के खिलाफ। चलिए और भी हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए अब की बार किस प्रकार की सरकार को, किन किन मुद्दों को लेकर आप क्या विजन रहेगा आप चुनने का करेंगे? हम लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और जो इस चुनावी मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, दमनकारी सरकार की दमनकारी नीति, विकास के हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार फेल रही है, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता को बताकर समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से कह रहे हैं, आप देखिए आपके सामने बगल है यहाँ पे जो कचहरी परिसर है, यहाँ तो मेंटेन हो रहा है, सरकार में तो हुआ है, फिर भी आपकी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है अधिवक्ताओं के लिए। आज तक आज़ादी के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव के अलावा किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना वचन पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था की बात की है, अधिवक्ताओं की जो आकस्मिक निधि की फंड की बात है उसमें भी अलग से एक फंड बनाने की बात की है। तो समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई भी पार्टी अधिवक्ताओं के हित की पार्टी नहीं, ना तो अधिवक्ताओं के हित के बारे में कुछ सोचती है। हमारे अधिवक्ता बंधु की हत्या इसी शासन काल में हुई, और इसके पहले किसी वकील की हत्या नहीं हुई थी, और कुछ नहीं हुआ, मुलजिम छूट गए। तो सरकार हम लोग के हित के बारे में नहीं सोचती है कि हुई थी, जांच हुआ, मुलजिम पकड़े गए, लेकिन जिस तरह से आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी, हम लोग असुरक्षित हो गए यहाँ।
हमारे साथ कोई घटना कहाँ घटित हो जाए, कभी अधिवक्ता के बारे में कोई योजना सरकार बनाने का काम नहीं किया। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, ना जूनियरों के बारे में ध्यान है। यहाँ पर जूनियर आते हैं और भटकते रहते हैं। आपने देखा, हमने अधिवक्ताओं से बात किया, अधिवक्ताओं के बीच कहीं ना कहीं खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, अब की बार इनके मन में क्या चल रहा है आप इससे बखूबी समझ गए होंगे। बस्ती से प्राइम टीवी के लिए रजनीश पांडे। संभल में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दलित परिवार पर हमला करने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव में पक्ष में वोट नहीं करने पर दलित परिवार पर दबंगों ने कहर ढाया था और घर में घुसकर दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की थी। गांव के ही दबंगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां 5वें और 6ठे चरण के चुनाव नजदीक है। इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दल के मुखिया अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिलवाने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं अकबरपुर जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए जमकर जुबानी बाढ़ चलाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वें चरण का मतदान रविवार को है। वहीं अयोध्या जनपद में ही कल मतदान होगा। एयरपोर्ट ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, वो मतदान कराने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान ड्यूटी कर रही हैं। बता दें कि जनपद में 5 विधानसभा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है और हम शादी के बाद पहली बार मतदान कराने जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह। रेखा सिंह 717, क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह, संख्या 717, रेखा सिंह विश्वविद्यालय भजबाग, जहाँ भी है नंबर 99 में संपर्क करें। हम यही कह रहे हैं कि ये मतदान कराना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसका पालन करना चाहिए। हम सर एक बार हमारा खजराहट में लग चुका है पंचायती राज वाले इलेक्शन में और अब की बार हमारा अयोध्या विधानसभा लगा है तुलसी इंटर का राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या में। सृष्टि पांडे, क्या संदेश देना चाह रही हो? सब लोग, पूरी जनता को हम यही संदेश देंगे कि सब लोग अपना मतदान दें और अपने लिए सही सरकार चुने जो उनके लिए सही, उनके देश को और उनके हित में कार्य कर सके। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव साथनी में ट्रैक्टर ट्रॉली से गुलाल पहुंचाकर वापस लौट रहे युवक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बम्बे में जा गिरा, जिसके बाद मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर मृतकों के शव को पानी से बाहर निकाला गया और मामले की जांच में जुटी। कितना घटी यहाँ पर? ये अलीगढ़ की तरफ से ट्रैक्टर आ रहा था इलाज से, ये इसमें गुलाल भरा हुआ था, गुलाल खाली करके इधर राया की तरफ ट्रैक्टर जा रहा, बेकाबू हो गया ट्रैक्टर, उसको पता नहीं नींद आई क्या हुआ और वो ट्रैक्टर बम्बे में पलट गया। और इसके बाद 2 लोग दौड़ कर रहे थे, सुबह का समय था 5 बजे के लगभग समथिंग, तो लोगों ने वहाँ से 2 को तो निकाल लिया ट्रॉली में से, 4 लोग थे और 2 की डेथ हो गई तुरंत ही, मौके पर ख़त्म हो गए थे। 112 पर कॉल की, वहाँ से पुलिस आई, पुलिस ने बचाव कर 2 को बाहर निकाला। क्या मामला हुआ है सर साथनी के नज़दीक बम्बे पर? आज सुबह करीब 6 बजे सुबह सूचना मिली थाने पर कि साथनी गांव के पास बम्बे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिसमें कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर हम पुलिस बल के साथ साथनी गंबा पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे 2 लोग दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस बल द्वारा निकाला गया तो तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और सबको पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। खबर बहराइच से है, जहां 5वें चरण के चुनाव 27 फरवरी को होने वाले हैं। बता दें मतदान सुबह 7 बजे शुरू होंगे, जिसमें लगभग 25,60,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने सफल चुनाव कराने की बात कही है।
खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार में आ रही कार ट्रक में घुस गई, जिससे कार सवार चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। खबर मिलने पर परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायलों को गंभीर हालत में देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया है। अभी यहाँ पे एक्सीडेंट घटना हुई है, जिसमें चार लोगों की मौके पर मौत हो गई है और दो लोग गंभीर हालत में घायल हुए हैं। ये अतारा रोड पे घटना हुई है, एक सीवी गाड़ी है जो ट्रक से टकराई है, इसमें चार लोगों की मौके पर मौत हुई है और दो लोग बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में आए थे। उन दोनों लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया है और उनकी मौत हो गई है, उनको बाड़ी पर पोस्टमार्टम करवाने के लिए दिया। जब हम गए सूचना मिली है तो स्कॉर्पियो ट्रक में भिड़ंत हो गई थी, स्कॉर्पियो में 7-8 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक दो लोग एक्सपायर हो चुके हैं। वहीं मौके में ही हम चार लोगों को लेके अस्पताल पहुंचाए। कहाँ पे घटना हुई थी? जमी बुरवा रेवना के पास। आपको कहाँ से जानकारी इस बारे में मिली? ऊपर लखनऊ से फोन आया मेरे पास। आप जो चार लोगों को लेके आए, क्या उसमें भी कोई एक्सपायर हुआ है? नहीं, उसमें सब जीवित हैं। जीवित हैं। दिनांक 26/2/2022 को करवी से उरई भारत जा रही थी एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी में, जिसमें लोग सवार थे। खड़ा हुआ एक ट्रक खड़ा था अतर्रा बांदा रोड पर, तो काफ़ी तेज़ रफ्तार गाड़ी थी ये, पीछे से उसमें टकरा गई स्थिर खड़े हुए ट्रक में, उसमें लोग घायल हो गए। सूचना मिली, घायलों को तुरंत तो अस्पताल पहुंचवाया गया, दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जिनको मेडिकली डेड घोषित कर दिया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद दो लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, दो व्यक्तियों की हालत सीरियस थी, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।